आपके साथ स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष जैवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज ने जीता सिल्वर मेडल। 19 साल बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को मिला दूसरा मेडल। अंजू बॉबी जॉर्ज ने दिलाया था पहला मेडल। इतिहास रचने पर देश में जश्न। मां ने किया जमकर डांस। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष जैवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है। नीरज की इस कामयाबी के लिए देश भर से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। उन्होंने चैंपियनशिप के इतिहास में देश को दूसरा मेडल दिलाया है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला मेडल 2003 में लॉन्ग जंप में जीता था। उसके बाद से देश को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने दूसरे पदक का बरसों से इंतजार था, जिसे नीरज चोपड़ा ने पूरा किया है। दरअसल भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में जो एक मेडल जीता है, वो भारत की स्टार एथलीट रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने दिलाया था। उन्होंने 2003 में महिलाओं की लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार अमेरिका में हुई चैंपियनशिप ओरेगन 2022 में भारत ने अपने बेहतरीन ट्रैक एंड फील्ड स्टार मैदान में उतारे हैं। भारत से कुल 22 एथलीट, जिसमें 18 पुरुष और 4 महिला एथलीट शामिल हुए हैं। बता दें कि ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से मुकाबला था। इसमें नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता, जबकि पीटर्स ने अपनी शुरुआती दो थ्रो लगातार 90 से ज्यादा मीटर तक किए। इसी के साथ उन्होंने फाइनल में 90.54 के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस